गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले आपके एंजल्स के मैसेजेस। ठीक है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जनवरी के लिए, इस जनवरी में क्या खास आपके लिए होने वाला है और क्या चीजें नहीं आएंगी और सब कुछ जानते हैं। और ये 31 जनवरी तक आपका समय कैसा रहने वाला है और क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, वो सब चीजें आपको हिंट वगैरह आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो सब जानेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्ड हैं, हम इसे पाइल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड है ये ब्लेस्ड का, आप नंबर्स भी देख सकते हैं 22, आप इस नंबर से भी इसे कार्ड को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है न्यू लाइफ, नंबर आप देख सकते हैं 39। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रीथ, तो ब्रीथ करने को भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो 29 नंबर है, तो नंबर से भी आप चूज कर सकते हैं इसे, कोई कनेक्शन होगा नंबर से आपका। आप इसे कार्ड से भी चूज कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा मेडिटेट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं और आपके सारे मैसेजेस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाल 1 से, कार्ड 1 से ब्लेस्ड। ठीक है, हेलो पायलवान जिन्होंने ये ब्लेस कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड आता है, क्या मैसेज आता है। और मुझे लगता है जिन्होंने कार्ड चूज किया है वो इस जनवरी बहुत ब्लेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ये डेक है, ये जो है मेजर अरकाना की डेक है। ठीक है, तो पहले हम उनसे एक कार्ड निकालेंगे एंड फिर माइनर अरकाना से हम 2 कार्ड देखेंगे आपके। ठीक है, ओके द सन, रियली आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत प्यारा और ब्राइट कार्ड आया है आपके लिए। इनसे हम 2 कार्ड्स देख लेते हैं और आपके लिए क्या खास है। तो मतलब जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है ब्लेस्ड, उनकी किस्मत कह सकते हैं जैन में चमकती रहेगी और कुछ अच्छी चीजें, बहुत पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में इस जनवरी आएगी। ओके, 4 of Pentacles, wow, 6 of Pentacles। तो कार्ड्स तो देखा जाए बहुत अच्छे हैं, तो पहले हम इन्हें रीड करते हैं। तो पहले जो मेजर अरकाने का कार्ड है हमें ये बता रहा है कि सन आया है, तो आप बहुत लकी होने वाले हैं इस टाइम, सन शाइन करने वाला है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी होते हुए मुझे यहाँ नजर आ रही है सन के कार्ड से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं जो जैन का है वो समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको क्या होगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो सजिटेरियस, इनकी एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आए 4 of Pentacles, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आप में से काफी लोग का पैसे कमाने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, या वो कहीं ना कहीं से आपको इनकम मिल रही होगी बहुत ज्यादा। देखिए, ये पर्सन के पास इतना पैसा है कि देखिए इनके पैरों के नीचे है, सर पे भी रखा, मतलब कहाँ कहाँ रख ले इतना पैसा। तो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आप में बहुत आएगा जागरूकता कि मुझे पैसे कमाने, पैसे कमाने, अचानक से आपके अंदर से आएगा कि हाँ मुझे पैसे कमाने, पैसे का कुछ तो होगा। ठीक है, और इनकम का सोर्स भी बढ़ सकता है। और आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अभी कोई जॉब कर रहे हो, तो इसमें आपका हो सकता है कि प्रमोशन हो या फिर आपकी इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं से कोई डबल हो जाए, कहीं और से आपका इनकम का सोर्स बनना शुरू हो जाए। बस ये भी, बट ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ज्यादा पैसे के लिए ग्रीडी आप मत होइएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक, बाकी जो अगर ये कार्ड के साथ ये कार्ड आया है तो ये कार्ड इसे भी शो करेगा, ये कार्ड इसे भी शो करेगा, मैं दोनों का बताती हूँ। अगर ये आया
है फोर ऑफ पेंटिकल विथ सन, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी अर्निंग कहीं से मिलने वाली है, पैसे आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत सारे, ठीक है। आपको खुद समझ नहीं आएगा इसे रखा कहाँ जाए इतने सारे पैसे। तो जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब तक आपने, मैंने कहा ना कि प्रमोशन मुझे लग रहा है काफी लोग का हो सकता है, जो मेहनत किया है मुझे लगता है अब उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपने अब तक जितनी मेहनत की है किसी भी चीज के लिए, क्यों ना की हो, अब उसका फल आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, या आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप जो चाह रहे थे और आपने जितनी मेहनत की है उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक। अगर अब तक आप सोच रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ लाइफ में या कर रही हूँ, बट उसका कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है अब जैन में कहीं ना कहीं आपको उस चीज का रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब इस कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कैसा रहेगा। ओके, बहुत सारे अपने आप ही गिर गए हैं, चलिए देखते हैं कि करके क्या है। वाओ, हैट आया है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो हो सकता है कि अब आने वाले समय है इसमें आप डिफरेंट रोल प्ले करो, ठीक है। वैसे भी हम लाइफ में काफी रोल प्ले कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हो सकता है कि आप कोई और भी किरदार निभाएं, जैसे कि आपकी जैसे कोई न्यू जॉब लगती है तो उसमें भी आप किरदार निभा सकते हो। मैंने कहा प्रमोशन होगा उसमें भी, आप में से हो सकता है काफी लोग की शादी, शादी का भी, चूंकि ये दस सन है वो शादी का भी दिखाता है, मैरिज का भी दिखाता है। तो अगर आप लोग शादी अभी नहीं आपकी हो रही है और आप लोग सोच रहे हो कब तक होगी, तो कुछ लोगों के चांसेस जैन में बन रहे हैं शादी के भी, तभी शादी होने के बाद आप कई किरदार निभाएंगी। और हो सकता है अगर जो आप में से काफी लोग बच्चे के बारे में सोच रहे हैं बट हो नहीं रहा है वगैरह वगैरह, होता है ना कि आप लोग सोचते हो कि कुछ लोग होते प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं मतलब, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो जैन है उसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एक माँ का रोल भी होता है जो एक वुमेन को निभाना होता है, और फादर भी होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोल भी हो सकता है आप लोग प्ले करने का मौका मिले। सन का कार्ड आया है, तो और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बियर आया है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, देखिए मैंने कहा था ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि पैसों के मामले में ग्रीडी मत होइए, ठीक है। तो ये भी बता रहा है कि ज्यादा पैसों की लालच में कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, आप उस चीज का ध्यान दें, ठीक है। पैसे आ रहे हैं अच्छी बात, लेकिन ज्यादा पैसे की लालच ना बढ़ जाए इसके चक्कर में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। वाओ, बटरफ्लाई आ रहा है, अ चेंज फॉर द बेटर, तो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए, क्योंकि बटरफ्लाई आया है इसमें। हम जानते हैं बटरफ्लाई जब हमें दिखती है, हो सकता है आप में से काफी लोग को दिखती भी हो, तो दिखती इसका मतलब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है अ चेंज फॉर द बेटर, और यहाँ पे सन का कार्ड भी आया, तो आपकी लाइफ में जनवरी में काफी अच्छे पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, ठीक है, उसका खुल के स्वागत कीजिए। गुड लक, वाओ, तो आपके लाइफ में गुड लक जनवरी में बहुत सारा गुड लक लेके आ रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो आप जैन में कर सकते हो, आप कुछ भी ट्राई करोगे तो आपको इसमें लक जरूर रहेगा और काम करेगा, तो जैन आपके लिए मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा रहेगा। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं। वाओ, स्टेपिंग इनटू एन एक्सपीरियंस, मैं यही कह रही हूँ, अगर अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है जैन में आपको मिलेगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगी और आपको डिफरेंट रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हो सकती मिल जाए और आपको डिफरेंट रोल प्ले करने का मौका मिले, तो कुछ न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, आप कुछ नया ट्राई करने वाले हो, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अनसक्सेसफुल प्लान्स, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में क्या होगा कि आप जो प्लान करोगे वो तो नहीं होगा, बट क्या है अचानक से कुछ चीजें हो जाएंगी जो कि आपके लिए बेटर रहेंगी। आप जो प्लान करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं ये प्लान करके करता हूँ ये चीज, अब ये प्लान करके करती हूँ ये चीज, बट क्या है ना वो शायद आपको ना सक्सेसफुल इतना हो, जो कि चेंज कुछ अपने आप ऐसा कुछ हो जाता है, डिवाइन जो चाहते हैं, यूनिवर्स जो चाहता है वही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफ में होगी अच्छी चीजें, लेकिन शायद आपके मुताबिक ना हो, कुछ ऐसे सरप्राइज आपको मिल जाए लाइफ की तरफ से, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, एज अ ब्लेस्ड आपका कार्ड भी, आपने ब्लेस्ड चूज किया है,
तो कुछ आपको गॉड की तरफ से ही मिलेगा और वो ब्लेस्ड होगा। कभी कभी हम जो प्लान बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता, और जो अचानक से चीजें हो जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो हो सकता है इस तरह की चीजें आपके लाइफ में आने वाली हो, होने वाली हो। गुड फॉर्च्यून, वाओ, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, सन का कार्ड, अब और क्या चाहिए, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। पीस एंड हार्मनी, ऑब्वियसली जब इतना कुछ अच्छा होगा लाइफ में तो पीस एंड हार्मनी तो आएगी ही आएगी। तो ये थे आपके कार्ड्स, अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और भी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, कई सारे मैसेजेस आए हैं, चलिए देख लेते हैं कि करके क्या है। ओके, सी, तो जिन्होंने ये ब्लेस्ड कार्ड चूज किया है, सच में सन तो शाइन कर ही रहा है आपका, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है ये। रिलीज, तो आपको कुछ रिलीज करने को कहा जा रहा है, जो भी निगेटिविटी है आप रिलीज कीजिए, तब आप लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, वाह, डोंट वरी, आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भी है अनसक्सेसफुल प्लान्स आए हैं, तो हो सकता है जरूरी नहीं जो हम प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल ही हो, चूंकि हो सकता है हमारे लिए कोई और प्लानिंग चल रही है ऊपर, तो वो कुछ अच्छा ही आपके लिए आने वाला, चूंकि यहाँ पे आया भी अ चेंज फॉर द बेटर। तो आपको किसी भी चीज से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जैन मुझे लगता है आपके लिए काफी कुछ अच्छा लेके आने वाला है, और आप पॉजिटिव और पीसफुल रहने वाले हो। स्टार भी है तो होप बहुत है, स्टार की तरह आप शाइन भी कर रहे हो, सन भी आ चुका है, स्टार भी आ चुका है, तो मतलब आप तो आधा यूनिवर्स तो आपके हाथ में ही है, सन है, स्टार है, ठीक है, तो आधा यूनिवर्स तो आपके हाथ में ही है कहीं ना कहीं। तो आप बस विश करो और मैनिफेस्ट करो, आप जो चाहते हो, पॉजिटिव रहो और अच्छा अच्छा सोचो, क्योंकि आधा यूनिवर्स तो आपके हाथ में ही आ गया, सन है, स्टार है, तो आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, राइट। तो यही बात इस कार्ड्स के थ्रू भी पता चल रही है, द वर्ल्ड आया है, तो कह सकते हैं वर्ल्ड आपके हाथ में है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात करी, हम सबका अपना अपना यूनिवर्स है, ठीक है, हम अपना यूनिवर्स खुद बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी खुद का यूनिवर्स आपके हाथ में, तो आप जो चाहिए पूरा वर्ल्ड आपका मतलब चाहो तो गुलाम बनने को तैयार है, बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड भी आया है, तो वर्ल्ड ये बता रहा है कि हम सब एक हैं, और वर्ल्ड का बहुत मतलब होता है यहाँ पे, मुझे इससे ये कनेक्ट कर पा रहा है कि यूनिवर्स से कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो कि मैंने अभी बात बोली भी है, यहाँ पे सन, स्टार, वर्ल्ड सब ही आया है। ओके, आई वॉन्ट टू हग यू, वाओ, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन आपके एंजल से या फिर अपने कह सकते हैं आसपास के लोगों से बहुत अच्छा बना है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अभी देखा जाए जैन में बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड देखिए, पे अटेंशन टू साइन, तो आपको बहुत सारे साइन दिखने वाले हैं, साइन मिलने वाले हैं, और हो सकता है एंजल्स आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हैं, एंड वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, राइट। काउंसलर, ओके, मुझे लगता है कि आप किसी की मदद करने वाले हो, आप किसी को काउंसलिंग करने वाले हो, क्योंकि आपने लाइफ में इतने एक्सपीरियंस पा लिए हैं, और जैसे कि मैंने, जैसे कि आपका कार्ड भी आया था कि आप कोई रोल प्ले करने वाले हो, तो एज अ काउंसलर भी मुझे लगता है कि आप एक रोल प्ले करने वाले हो, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो वो अच्छी एडवाइस होनी चाहिए कि उसकी आगे जाके लाइफ खराब ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज अ काउंसलर, कोई आप पे इतना ट्रस्ट करके आपसे कोई कुछ पूछने आया है और आप उसे बता रहे हो, तो ये भी एक रोल आप अदा कर रहे हो, और बखूबी से अदा करिए इसको। जैसे कि किसी को हेल्प चाहिए और आप उसे अच्छी एडवाइस दे, उसको अच्छा डायरेक्शन दिखाए, जैसे आपको यूनिवर्स और एंजल्स दिखा रहा, सबको इतना, सबका इतना अच्छा कनेक्शन एंजल्स और यूनिवर्स से नहीं होता है, हो सकता है आप में से काफी लोग का है भी, जो कि आप ब्लेस्ड हो, और तो वो लोग आपके पास आ रहे हैं कि आप उन्हें दिशा दिखाओ, कहीं ना कहीं उनके मन में भी उनके एंजल्स ने कहा है कि इनके पास जाइए तो आपको गाइडेंस मिलेगी, कहीं ना कहीं उनके मन में क्लिक होता है कि शायद आपके पास आना चाहिए, शायद आपसे उनको मदद मिले। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स कर रहे हैं आपके लिए, तो वही, आप परेशान मत होइए, सब कुछ आप बस छोड़ दीजिए और अच्छा ही होगा, आप पॉजिटिव जितना रहोगे उन पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे, और आपका कार्ड बेहद 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 अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये रीडिंग करके, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप ब्लेस्ड हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, यस आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग,
नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है? और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो पाइल टू, जिन्होंने पाइल टू चूज किया था, कार्ड टू चूज किया था, जो न्यू लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग होगी लाइफ में, न्यू चेंजेस आएंगे, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ इन्होंने न्यू ईयर का आगमन हुआ है, तो उन्होंने चाहते हैं कि विश किया है कि शायद ये साल उनके लिए कुछ बेटर चीजें और न्यू लाइफ की तरह ऐसा देखना है कि कुछ नए चेंजेस होंगे, पास्ट को भूल कर एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं ऐसे लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या खास होने वाला है। ये डेक है मेजर अरकाना का, तो पहले हम इससे आपके लिए देखेंगे कि क्या कार्ड आता है, फिर हम जाएंगे माइनर पे, ठीक है? उसमें से हम दो कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कि क्या मैसेज है आपके लिए। द हेरोफेंट, तो द हेरोफेंट आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है, ठीक है? वो कन्फर्मिटी दे रहे हैं, या वो कोई ऐसी चीज आपके लाइफ में होगा जो ट्रेडिशनल से रिलेटेड है, कुछ ट्रेडिशनली, या हो सकता है अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम प्रिपरेशन दी है उसके लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट मुझे नजर आ रही है, विच इज अ हाई पोस्ट, ठीक है? तो आप में से काफी लोग मुझे लगता है हाई पोस्ट भी पा सकते हो, ठीक है? कोई रिजल्ट अनाउंसमेंट भी हो सकती है, राइट? तो ये कन्फर्मिटी देते हैं। थ्री ऑफ सोल्स आया है, चलिए देखते हैं और। ओके, फाइव ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है कहीं ना कहीं उनको वो थोड़े उदास हैं, या तो उनका कुछ लॉस हुआ है, बट क्या है, सबका अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करना पसंद करूंगी जिस बट यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स हैं एंड यहाँ पे तीन कप्स भी गिरे, फाइव कप में से तीन कप्स गिरे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि फाइव कप्स की, राइट? तो हम यहाँ कार्ड में देख सकते हैं, ये सब परसेप्शन की बात है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूंगी कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे मैम तीन कप्स गिरे हुए हैं, लेकिन बहुत कम होंगे जिनका ध्यान ये जाएगा कि नो मैम, यहाँ पे दो कप्स हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है? तो हम इन चीजों पे हमारा जो ध्यान होता है सबसे पहले जाता है कि यहाँ तीन कप्स गिरे हैं और वो इंसान रो रहा है। जो जो कुछ पर्सन होंगे जिनका ध्यान जाएगा हाँ दो कप्स पीछे भी तो रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन की बात है कि आपका नजरिया कैसा और आप क्या चीज को सबसे पहले देखते हो, ठीक है? तो जो लोग दो कप्स जो पीछे रखे हैं उस पे उनका जिनका ध्यान जाएगा वो सच में पॉजिटिविटी में बिलीव करते होंगे, और उनका ध्यान उसमें जाता है कि अच्छा अगर तीन पॉसिबिलिटीज खत्म भी हो गई तो दो पॉसिबिलिटीज तो अभी भी बची है, मैं इनसे भी इनका भी यूज करके कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? उनका ये होता मतलब मोटिवेटेड अंदर से रहते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं, बट जिनका ध्यान इस पे जाएगा कि तीन कप्स गिर गए और ऐसे उदास रहने वाला चेहरा, तो वो ऐसे ही करते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है वो उदास होकर बैठ जाते हैं, ठीक है? वो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, वो उस पे ही बस दुख जताते हैं। तो आपके लिए ये बात कही जा रही है, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में इस जनवरी में आपको कुछ लॉस देखने को मिले, लेकिन आपको क्या करना है कि जो लॉस हुआ है ठीक है उस पे दुख जता दिया, ठीक है, एक दिन दो दिन, बस आप इसका सोल्यूशन ढूंढिए, पॉसिबिलिटीज देखिए कि और आप क्या कर सकते हो, अगर ये नहीं तो दूसरा क्या, ठीक है? और अगर एक पॉसिबिलिटीज चली जाती है आपके हाथ से, लेकिन दो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में रहेगी रहेगी, ऐसी बात नहीं कि सब खत्म, वो तीन कप्स गिर गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे जो तीन ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोग हैं जो बहुत तभी दुख में हैं, हर्ट हुए हैं, किसी बात को लेके कहीं ना कहीं उनका दिल रो रहा है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से काफी लोग पार्टनर की वजह से परेशान हो, फैमिली की वजह से परेशान हो, किसी की हेल्थ को लेके परेशान हो, ठीक है? तो आप में से काफी लोग ऐसे हो जो किसी ना किसी बात को लेके परेशान हो काफी ज्यादा, ठीक है? और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग परेशान हो और लॉस में भी अटके हुए हो,
बट क्या है ना कि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप्स एंड ये जो रेनिंग हो रही है हीलिंग, तो हो चुकी है। ये जो द हेरोफेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, और लव के बारे में देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे लव को देख रहे हैं कि लव में आपका दिल टूटा है या परेशान हो, तो ये कंफर्मिटी दे रहे हैं कि नो, ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं कि आप परेशान मत हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आएगा, ये पार्टनर की वजह से है, तो आपके लिए यस 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 है, यस आपके चांसेस है कि आपके पार्टनर आए, चूंकि लव में ही कंफर्मिटी देते हैं। ठीक है, तो आप निराश ना होए, और कुछ ट्रेडिशनल भी आपके घर में हो सकता है, कुछ ट्रेडिशनल से कनेक्शन भी हो सकता है, और कुछ लॉस हो सकता है आपको देखने को मिले। फाइव ऑफ कप्स मुझे बता रहे, बट ये बात नहीं है, आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है कि सिर्फ फाइव ऑफ कप्स पे ना ध्यान दे, टू ऑफ कप्स भी है हमारे पास, आपका ध्यान उस पे भी जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं और क्लैरिटी के लिए कि आखिर होने क्या वाला है, क्या आ रहा है। तो हम कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं जो हमें क्लैरिटी देगी कि ऐसा क्यों है। जो जो कार्ड्स गिन रहे हैं मैं उन्हें नहीं उठा रही हूँ कि वो गिर रहे, अपने आप ही गिर रहे होंगे, उसमें भी कुछ मैसेज होंगे आपके, इसलिए। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। काफी हो गए कार्ड्स। फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। ओ, मैं समझ गई कि ये इस तरह का क्यों आया। हो सकता है कि आपको, आप जो कुछ न, ऐसा कुछ है जो आप नहीं चाह रहे हो, बट वो काम कोई आपके अगेंस्ट कर रहा है, तो आपको इस चीज से दुख पहुंच सकता है। ठीक है, कुछ बुरा है तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। तो अगर कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है तो कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। कोई आसपास आपके बहुत अच्छा पर्सन होगा, या जरूरी नहीं है आप जैसे जानते हो, कभी कभी स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो भी हमें एक अच्छी सलाह या एडवाइस दे जाते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कोई अच्छा पर्सन होगा जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है। अगर आप प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, अगर हो सके तो आप किसी से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो अपने फैमिली में, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया है ब्रोकन ब्रिज का अनसक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम। ओ, ये भी हो सकता है कि आप कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें आप अनसक्सेसफुल हो जा रहे हो जाओगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि हम फाइव ऑफ कप्स देखे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो और उसका आउटकम आपके हिसाब से नहीं मिला, आप जो चाह रहे थे आपके फेवर में नहीं आया है, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता, परेशान हो सकते हो। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने निगेटिव, मतलब थोड़े आए हैं कार्ड्स, तो ये आपको बता रहे क्या क्या चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। मैंने कहा भी हेल्थ की इश्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो कुछ लोग डिप्रेशन और इल हेल्थ के चक्कर में भी फंस सकते हैं। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता देगा, गाइड कर देगा कि क्या क्या आपके लाइफ में आ रहा, आप उससे बच सकते हो, आप और अच्छी चीजें आप चुन सकते हो कि आपको किस तरीके से। जैसे कि आपको आ गया यहाँ पे अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, तो आप कोशिश कर सकते हो कि मुझे डिप्रेशन में तो नहीं जाना है, तो मैं कोशिश करूँ मेडिटेट करूँ, पॉजिटिव रहूँ, और इल हेल्थ का आया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हेल्दी फूड्स खाइए, बाहर के खाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, जंक फूड्स ना खाएं, तो इस तरह से अभी आप अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो ये कार्ड्स आपको आते हैं इसलिए कि आप अपने आप को बचा सको, पहले ही आ गए हैं ये कार्ड्स, तो आप अपने आप को समझ सकते हो आने वाली सिचुएशन कैसी हो सकती है, तो इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है, इसका सोल्यूशन आपका माइंड तुरंत ढूंढने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स इसीलिए आए हैं कि आपको एज अ साइन आप समझ लीजिए, आपको रेड फ्लैग्स की तरह आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको वॉर्न वॉर्न करने आ रहे कि ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही बच जाओ। ठीक है, ब्रेथ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि पूरा ही डार्कनेस में आप चले जाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कौन सी साइड देख रहे हो। ठीक है, आपके लिए ये आ गया, लेकिन आप अब आपका इस पे क्या रिएक्शन आता है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसे किस तरीके से लेते हो, आप इसको एक चैलेंज की तरह भी ले सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा चीज होने, मैं कोशिश करूंगा कि अनसक्सेसफुल आउटकम नहीं आए, अगर आप जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक यहाँ अगर मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ वहां अनसक्सेसफुल आउटकम आ रहा है, तो मैं दूसरी तरह से ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब आपका पर्सपेक्टिव है, ये सब आपकी सोचने की पावर है, जो कि टेस्ट की जाती है, एग्जामिन की जाती है यूनिवर्स के द्वारा, और देखा जाता है कि आप इस पे इस सिचुएशन में किस तरह का रिएक्शन देते हो। राइट,
अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. मैंने बोला है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है, बहुत आएंगी. देखिए ये जो टू कप्स है ना, ये अपॉर्चुनिटीज है. ये थ्री कप्स गिरे वो भी अपॉर्चुनिटीज है. अगर एक अपॉर्चुनिटी गिर जाती है, तीन अपॉर्चुनिटी भी गिर जाती है, लेकिन दो अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास रहेगी. और वो जो दो बेस्ट दो होंगी ना, वो सबसे बेस्ट होंगी, इसीलिए वो नहीं गिरी, ठीक है, आपके लिए बेस्ट होंगी. और यूनिवर्स ने उसे जानबूझ के वो तीनों को गिराया होगा, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है. समझ जाइए, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, अबेंडेंस भी आएगा. और अब देख लेते हैं आगे और क्या आपके लिए आने वाला है, ठीक है. टेम्पररी प्रॉब्लम्स, देखिए आपको पहले ही बता दिया गया जिस चीज पे आप रोने वाले हैं, उदास होने वाले हैं, एक्चुअली कि वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है. वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा. तो हम लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, जबकि उस पर परेशान होने वाली कोई बात भी नहीं होती है. तो चीजें आप समझिए, आप इस चीज को किस तरह ले रहे हैं उसे भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. चलिए देखते हैं और क्या है. वाओ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट वेलकम टू यू. तो जब ऑनर आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो ये आप पे कहीं ना कहीं, देखिए मैंने कहा भी आप लोग कहीं ना कहीं हाई पोस्ट डिजर्व कर रहे हो. कुछ अच्छा आपके लिए लिखा हुआ है, हाई पोस्ट, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में लिखे हैं. बट क्या है, ये आपका नजरिया होना चाहिए देखने का कि इसे किस तरीके से देखना है, राइट. अब आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको रोकेंगी वहां उस अच्छी चीजों तक जाने से. कुछ चीजें हैं जो आपको रोक सकती हैं, जो आपके इल हेल्थ है, डिप्रेशन है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको जब पता है आपको अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, तो आप निगेटिव चीजों से दूर रहने की कोशिश करो. लेकिन वो फिर भी आपको पोक करेंगी, बट आपको क्या परेशान नहीं होना है, राइट, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, राइट. तो आपने जिन्होंने न्यू लाइफ चूज किया है, ठीक है, तो उनकी न्यू लाइफ में ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स एकदम से खत्म हो जाए. तो ये तो मुश्किल है. अगर आप सोचो न्यू लाइफ हो, उसमें सब अच्छा अच्छा मीठा मीठा हो, तो ऐसा तो नहीं होता. वो मीठा मीठा भी आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, फिर आप बोर हो जाओगे उस चीज से, ठीक है. इसीलिए लाइफ में अपडाउंस होते हैं. तो आपके लाइफ में अपडाउंस आएंगे, अच्छी चीजें भी बहुत सारी हैं और बुरी चीजें भी कहीं ना कहीं हैं. बट क्या है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है मुझे बताया, आप बेहतर तरीके से इसे समझ गए होगे आपको क्या करना है. द मोस्ट डिफिकल्ट पास्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. मैंने भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग ऑलरेडी इन सब चीजों से गुजर रहे हो, ठीक है, अभी आप इन सब चीजों से गुजर रहे हो. तो मुझे ऐसा दिख रहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पास्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. तो बहुत जल्दी जो डिफिकल्टीज है पास्ट की, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आप गुजर रहे हो, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, ठीक है. अब आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड्स आपसे. चलिए देख लेते हैं कुछ और मैसेज आपके लिए क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं आपको, जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए बहुत जरूरी है. क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या करते हो ना, इस तरह के मैसेजेस देख के डर जाते हो, जबकि इतनी डरने वाली बात भी नहीं होती है, ठीक है ना. ये आपको अवेयर कराते कि आप ये चीजें से बचो, ये चीजें ना करो, ठीक है, और चीजें समझाते हैं. शेयर योर फीलिंग्स, जैसे कि हमने कहा भी है कि आप किसी से अगर एडवाइस ले सकते हो तो लीजिए जरूर, क्योंकि गुड एडवाइस फॉर अ वाइज पर्सन आ रहा है. अगर आपको लगता है कि आप परेशान हो, आपको किसी से शेयर कर लेनी चाहिए, हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है. आप हमसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, यूनिवर्स से कर सकते हो, एंजल से. सबसे पहले तो आप एंजल से कीजिए, ठीक है, आप एंजल से शेयर करो अपनी बातें. अगर आपको लगता है कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से ट्रस्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ ये तो समझेगा, बात इधर की उधर ना करे, ठीक है. आप ऐसे पर्सन से कर सकते हो कंसल्ट, ठीक है. और आपको भी पता है आपके आसपास कौन आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ठीक है. आई वॉन्ट टू हग यू. तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अंडरस्टैंड, हमेशा से आपके साथ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अपने एंजल्स से आप बातें शेयर करें. स्टार होप है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम पहले ही देख चुके हैं कि आपके लाइफ में आने वाली है. तो ये स्टार हमें यही बताता है, ठीक है. जर्नी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जर्नी है, जो अप एंड डाउन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो सैडनेस हैप्पीनेस फेजेस आ रहे हैं, ये हैप्पीनेस एंड ये कुछ सैडनेस फेजेस आ रहे हैं. तो ये जर्नी का पार्ट है, आपकी जर्नी ही कुछ इस तरीके से घुमावदार अप डाउन. तो ये सबके लाइफ में होता है. आपके में कार्ड्स आ गए, बहुत लोगों में नहीं आते हैं, ठीक है. आपके में कार्ड्स आ गए, कुछ खुशियों वाला, कुछ खुशियों भरा, कुछ थोड़ा सा दुख होता ही है सबके लाइफ में. बट हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, हैप्पीनेस पे, ट्विन फ्लेम. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और देख रहे हो ये,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो मैंने कहा भी कि कोई तूफान तो आएगा और इसकी वार्निंग आपको पहले से ही मिल रही है, ठीक है, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा और प्लीज इससे डरिएगा नहीं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग से, ठीक। या आपको कहीं ना कहीं आता ही इसलिए कि आप अगर कभी कभी राह में भटक जाते हो तो आपको एक झटका मिलता है कि नहीं गलत है, वो राह चेंज करो, तो वो आपको कैसे बताएं, जब आप गलत राह पे होते हो तभी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई सही रास्ते पर है तो उसके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जो सही रास्ते पे चल रहा है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम, जब आप गलत रास्ते पे चले जाते हो तब आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से आती हैं चीजें, आपको सही करने के लिए, कुछ सही बताने के लिए, ठीक है। डोंट वैल्यू, तो अबेंडेंस तो आ गया है, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबेंडेंस, और वैल्यू मीन्स वही आपके लाइफ में वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और कह सकते हैं मुझे यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस दिख रहा है, और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मिटी भी है जॉब का भी, अगर आपको कुछ चीज काउंसलर, ठीक है, अब मुझे लगता है आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत है, आप किसी से बात करो जो आपको, अगर आप कोई बात को लेके बहुत परेशान हो उनसे बात करो, वो आपको समझाएंगे, ठीक है, वो आपको समझाएंगे कि कैसे लाइफ को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे काउंसलिंग आपको ज्यादा जरूरत है अभी। मैजिक, बिलीव मैजिक होते हैं, ठीक है, मैजिक होते हैं, मैं समझ रही हूँ आप लोग लाइफ में काफी अप डाउन देख रहे हो, बट आप बिलीव करो मैजिक होते हैं, राइट। न्यू बिगनिंग आपका था ना, न्यू लाइफ का कार्ड, तो न्यू बिगनिंग आपकी जरूर होगी, ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग ही है, और स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ अप डाउन्स देखने को मिले, नहीं तो बाकी आगे जाके थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी अगर आप समझदार हो जाओगे और आप समझ जाओगे कि ये लाइफ में हो क्यों रहा है, ठीक है। तो ये आपके मैसेज हैं, अगर आपको अच्छे लगे हो, रेजोनेट किए हो कुछ भी, तो प्लीज मैसेज में सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और यस, अगर आप कुछ लो फील कर रहे हो, प्रॉब्लम में हो, तो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम शेयर जान करके, ठीक है, और हम लोग हैं ही इसलिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव रख करने के लिए, आपको हील करने के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर करिएगा, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, और नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल थ्री, तो जिन्होंने पाइल थ्री चूज किया है, आप अपने कार्ड ब्रीथ, ठीक है, 29, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, ब्रीथ, थोड़ा जो जिंदगी की जो इतने उतार चढ़ाव है उससे थोड़ा सा दूर हटके थोड़ा पीस पीस चाहिए आपको, ठीक है, शांति, आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और ब्रीथ कीजिए थोड़ा, आपको अपने अंदर अब इनर वर्क करने को कहा जा रहा है। बाहर मुझे पता है बहुत उथल पुथल है आपकी लाइफ में, आप बहुत कुछ देख रहे हो अपने लाइफ में, बट क्या है ना, अंदर अब क्या है कि इनर वर्क करना है, थोड़ी शांति चाहिए, पीस चाहिए। आप अंदर काम करोगे ना, बाहर की चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी, परमानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बाहर जो चीजें चल रही हैं उसको थोड़ा से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए और सब कुछ सही करने के लिए, तो आपको थोड़ा इस मोड में जाने की जरूरत है, ब्रीथ करने की जरूरत है। तो ये है हमारे मेजर अर्काना डेक, तो हम इसमें से पहले एक कार्ड दिखाएंगे, फिर हम माइनर अर्काना से दो कार्ड चूज करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है मेजर अर्काना से। वाह, जजमेंट, तो हो सकता है कि कुछ आपको बहुत जल्द कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिल सके, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें आपको पता चलने वाली हो, आपके लिए जो बेटर है वही चीज होगी, और जो आपको खुशियां दे, जैसे कि आप इस कार्ड में देख भी सकते हो, तो कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, या फिर कुछ आपको अच्छे चेंजेस दिखाई पड़ेंगे जो एंजल्स की तरफ से होंगे, जैसे कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पे एक एंजल्स बनी है जिनके विंग्स हैं, तो जो उनके विंग्स हैं और एंजल है तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, एक अच्छी खुशखबरी ही मुझे लगता है यहाँ पे आपको सुनने को मिलने वाली है, जो हर्ष और उल्लास से बड़ी भरी होगी, ठीक है, शुभ हिंदी, राइट, ओके। यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सर्वर्ड्स, ओके, तो मुझे ये पता चल रहा है कि फाइनेंस के मामले में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है, और आप में से हो सकता है कोई अच्छे कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है आपको, या फिर आप एक हकदार हो एक अच्छे पोस्ट का,
आप एक ऐसे पर्सन हो जो क्वीन बनने के लायक हो, ठीक है, जो फीमेल है वो देख रही है और जो मेल देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है बहुत जल्द। आपको कुछ फाइनेंस के मामले में, फिर आपको में से किसी की जॉब लग रही है, अगर आप लोग जॉब के लिए देख रहे हो, अगर जॉब ऑलरेडी है तो प्रमोशन होने वाला है इस तरीके की। मुझे यहाँ पे पहली बात तो जो ये एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, फाइनेंशियल गेन आपको होगा। अब आप ये समझ लो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन होगा और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो उनकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। और मुझे लगता है जो काफी गर्ल्स हैं जो देख रही होंगी, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे पोस्ट के हकदार हो, क्वीन जो, या फिर आप में बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज है और आप ऐसे कोई काम कर सकते हो जो आप जिसमें बॉस हो, ठीक है। आप इस तरह का कोई काम कर सकते हो, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप अपना भी कोई काम अगर शुरू करना चाहते हो जो आपके हाथ में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं जिसे, जहाँ आप अपनी खुद की बॉस हो, तो वो काम भी आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब पेंटिकल्स भी आया और अच्छी न्यूज भी सुनने को मिल रही है। तो काफी कुछ अच्छी अच्छी आपको न्यूज सुनने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खामखा चीजों से परेशान हो रहे हो, बाकी अच्छी चीजें तो आपके लाइफ में आना चाह ही रही है, ठीक है। तो ब्रीथ करिए। ओके, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वाला कार्ड ले लेते हैं, जब ये आया ही है तो ले लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। ओ, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो आप देखिएगा पैसे आ रहे हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है कि पैसे इलीगल तरीके से ना आ रहे हो, और इनकम ऑफ सोर्स क्या है। पैसे आ तो रहे हैं, बट क्या है कि वो आपका घाटा ना कर जाए, आपको ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आपके लिए पहले वार्निंग आ गई, यू विल बी प्ले अ डिफरेंट रोल। आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं कि आप डिफरेंट रोल प्ले करें, ठीक है। समवन यू नो आर अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट हो और बट वो इनसिंसियर हो, ठीक है। आपके आसपास जैसे फेदर होते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते और चुलबुले कह सकते होते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड आर एंटरप्राइज। तो मैंने कहा कि आप में से काफी लोग कुछ अपना नया शुरू कर सकते हो, चांसेस यहाँ बहुत है, अपने बॉस बन सकते हो। तो यहाँ पे आया भी है कि आप कोई नया एंटरप्राइज अपना शुरू कर सकते हो, कुछ अपना नया शुरू करने के यहाँ पे चांसेस है। और बहुत लोग को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी चाइल्ड का बर्थ भी होने वाला है। आप में से काफी लोग कुछ, अगर लेडीज देख रही जो ऑलरेडी प्रेगनेंट है, तो भी हो सकता है प्रेगनेंट होने वाली हो, बहुत जल्द आपको न्यूज मिलने वाली हो कि आप प्रेगनेंट हो, चूंकि यहाँ पे चाइल्ड ऑफ बर्थ का भी दिखाया दिख रहा है। मैंने कहा एक अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली, तो आपको कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। आप लोग की काफी लोग की जॉब लग सकती है, चूंकि आई यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो चांसेस यहाँ बहुत है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चूंकि मनी के मैटर में आपको हो सकता है कोई लॉस हो, कोई ठगने की कोशिश कर रहा हो आपको, तो मनी के मैं कहूंगी कि इस पे ध्यान दें। कहीं आपको बस मैंने बता दिया, वेल आप ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो कि कहाँ से क्या हो सकता है, पैसे कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है, तो ग्रेट हैप्पीनेस तो आ ही रहा है। मैंने कहा कि कुछ अच्छी न्यूज आपको सुनने मिलने को मिलने वाली है, जो बहुत अच्छा रहेगा। वाओ, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग अगर घर के लिए देख रहे हो, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में आपका जो न्यू होम है वो आपको मिलने वाला है। जो कि मैंने कहा ना, पैसे भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप ये देखिए कि आपके पैसे कहीं ना कहीं फंस ना जाए, क्योंकि ये भी होता है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो हो सकता है कि आपके पैसे ना फंस जाए, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। मनी तो आ रहे हैं, बट आपको संभल के चलना है, ठीक है। देखिए, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। तो क्या है कि पीरियड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला हो सकता है, जो आपको चिड़चिड़ा बनाए, ठीक है। बट इससे क्या है ना, हमें सीखना है, जरूरी नहीं हम जो चाहे वही चीज हमें मिले या वही चीज हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ और भी ऊपर प्लानिंग चलती होती है, हमारी प्लानिंग हमेशा जो हम चाह रहे हो वही हमें नहीं मिलता है, अलग से भी यूनिवर्स की भी कोई अलग प्लानिंग चल रही होती है हमारी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको फ्रस्ट्रेट करें,
तो आपको क्या उससे क्या लेसन बस सीखना है, जो भी हो रही है उससे लेसन लें, और प्लीज अपने मनी के मामले में आप ध्यान दो, राइट? करियर, तो हो सकता है से काफी लोगों का करियर में बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, ठीक है? तो इससे भी रिलेटेड जो है स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो करियर पे मुझे लगता है आपका बहुत कुछ करियर में प्रमोशन होता है, तो कह सकते हैं कि यस आपको कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है, या है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में अगर आ भी रही है तो उसका कोई सक्सेसफुल आउटकम आएगा, आपके कोई निराशा नहीं होगी, कह सकते हैं विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए, ठीक है? टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, तो आपकी लाइफ में जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम आएंगे थोड़ा सा परेशान करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो कुछ प्रॉब्लम आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, बट क्या है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेसफुली होगा, आपके फेवर में ही होगा, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। हैप्पीनेस का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है? डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, हो सकता है फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा सा आपका डिस्टेंस हो जाए, और फैमिली से भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर थोड़ा दूर दूरियां हो जाए, ठीक है? यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, पार्टनरशिप, लव, मनी एंड गोल। ओके, तो आपको हो सकता है जैन में ऐसा फील हो सकता है कि शायद आपके लाइफ में किसी चीज की कमी तो है, या तो वो लव है, मनी है, गोल्स है, कोई चीज ऐसी है जिस चीज की कमी है। डॉग्स, गेटिंग टूगेदर विद फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी अपने दोस्तों से मिलने वाले हो, और जनवरी में बहुत जल्दी आप कुछ प्लानिंग करने वाले हो, घूमने घूमने जाने वाले हो, या उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, किंग एंड क्वीन, तो कहीं ना कहीं कुछ लव मुझे लगता है जो कह रहे थे कि कमी लग रही है, तो किंग एंड क्वीन का कुछ है न्यू बिगनिंग, तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, कुछ नया शुरू होने वाला है, एंड आई लव यू। तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आई एम विथ यू, आई लव यू, क्वीन एंड किंग, मुझे लगता है कि बहुत सारा लव लव लव, सोलमेट, ओह माय गॉड, तो हर जगह यहाँ पे लव 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 है। गिव लाइट एंड लव टू द वर्ल्ड, मुझे लगता है आपको काम ही कुछ इस तरीके से है कि आप बहुत प्यारे, तो बहुत प्यारे इंसान हो, तभी आपको प्यार भी हो जा रहा है, लोग आपसे प्यार भी करते हैं। आई एम विथ यू, आई लव यू, सोल मेट, किंग एंड क्वीन, ओ माई गॉड, बहुत लव भरा होने वाला है ये समय मुझे लगता है। रिलीज, बहुत जरूरी है रिलीज करना निगेटिविटी, जो भी निगेटिव चीजें हैं, जो भी आपके मन में निगेटिव ख्याल आता है, जैसे ही वो आ रहा है आपको ऐसे क्लिक करना है कि नहीं ये मुझे ये नहीं सोचना है, उसको आप एक पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कर दो, ठीक है? जैसे क्या है ब्रीथ, राइट? ब्रीथ का आया भी आपके लिए, तो क्या है वो इसीलिए हम ब्रीथ करते हैं कि थोड़ा निगेटिविटी से दूर हो सके, अपने माइंड में पीस ला सके, ठीक है? तो ये इसीलिए होता भी है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एक्सेप्टेंस, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को एक्सेप्ट करने वाले हो लाइफ में, जो भी आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेहतर है इसीलिए, ठीक है? शेयर योर फीलिंग्स, तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से शेयर करना चाहिए अपनी फीलिंग्स, तो आप कर सकते हो, पर ध्यान दें किसी ऐसे पर्सन से मत कर दीजिएगा जो कि बातें आपकी इधर से उधर करते हैं। आपको बेहतर पता हो कि आपकी लाइफ में आप किसको ट्रस्ट करते हो और किससे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और सबसे पहली प्रेफरेंस मैं चाहूंगी कि आप अपने एंजल्स को ही दो, ठीक है? पॉसिबिलिटीज, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिलने वाली है, आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, और हो सकता है कि सिर्फ जनवरी में आपको इसकी थोड़ी झलक देखने को मिले, और थोड़ा समय लग सकता है ये सब चीजों को होने में भी, बट क्या है थोड़ी थोड़ी झलक आपको मिलने लग जाएगी, और मुझे लगता है कि आपके आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर शेयर करनी हो, ठीक है, तो आप हमसे भी कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि कर लेनी चाहिए तो, और अगर आपको रेजोनेट करती हो और अच्छा फील हुआ हो, ठीक है, ये सब जान के, और कुछ वार्निंग्स आई उन्हें भी पहले से आपको पता चल गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो, तो अगर आपको लगता है तो आप प्लीज मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, सॉरी, ठीक है? और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।